हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है और फेस्टिवल में हम ढेरों सारी जो है ना शॉपिंग एंड ऑल करते हैं। तो मुझे जो है ना बेडशीट की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने जो है ना मीशो से कुछ बेडशीट्स मंगाई है जो कि अंडर 500 हैं और काफ़ी अच्छी है। इलास्टिक वाली जो आजकल चल रही है ना, इलास्टिक वाली बेडशीट वो मैंने मंगाई है। बिकॉज आप सभी जानते ही है मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स है कि मुझे पिछले कुछ टाइम से बैकएक की जो है ना मेजर प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए मैंने जो ना इलास्टिक वाली ऑल राउंडेड इलास्टिक वाली बेडशीट मंगाई है। उसका एक बेनिफिट तो ये है कि उसे ना बच्चे भी आराम से जो है ना आपके सेट कर सकते हैं। दूसरा, एक बार वो सेट हो गई ना तो ईजिली जो है ना अपसेट नहीं होती। तो आइए हॉल स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी बेडशीट कौन सी लगी, आपकी फेवरेट बेडशीट कलर कौन सा है इसमें से। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मीशो बेडशीट हॉल का। तो सबसे पहली बेडशीट मैं ओपन कर रही हूँ और ये जो बेडशीट है ना, देखिए इस तरीके की। तो ये जो बेडशीट है ना, ये काफ़ी येलो कलर की है, बट लाइट है, बहुत ज़्यादा डार्क येलो नहीं है। और इस तरीके से जो ना चारों तरफ इसके इलास्टिक लगी हुई है और कपड़ा काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, 100% कॉटन नहीं है, बट हाँ वो सिंथेटिक वाला फील भी नहीं है इसमें। और इसके जो पिलो कवर है वो इस तरीके से है। खोलते हैं बेडशीट नंबर 2 और ये जो है ना मैंने मंगाई है बच्चों के रूम के लिए, जिसकी जो प्रिंट है इस तरीके से है। इसमें ना जिराफ और ये सब बना हुआ है। ये भी 100% कॉटन नहीं है, कुछ समथिंग वेलवेटी टच है इसका। और इस तरीके का लुक है, क्रीम कलर की बेडशीट है ये। और इसमें ये जो है ना बच्चों के एलिफेंट, जिराफ, मंकी, डंकी, वो सब जो है ना बना हुआ है। स्पेशली बच्चों के रूम के लिए मैंने ये बेडशीट मंगाई है और इसमें भी जो है ना इस तरीके से इलास्टिक दिया हुआ है। और बच्चों के रूम के लिए तो ये जो इलास्टिक वाली बेडशीट्स है ना, ट्रस्ट में बहुत बहुत ही जो है ना इफेक्टिव होगी। बिकॉज बच्चे अक्सर चादर को जो है ना अपसेट कर ही देते हैं जंप मारते खेलते कूदते। और खोलते हैं अब अगली बेडशीट को। और इस बेडशीट का कलर भी जो है ना, ये है इस तरीके से लाइट शेड में ऐसा। ये जो है ना इसका पिलो कवर है और बेडशीट मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके की जो है ना ये बेडशीट। ये ऐसा इलास्टिक लगा हुआ है सब में और ऐसी प्रिंट है इसकी। और ये जो है ना 100% कॉटन है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा कपड़ा है, आप जो है ना आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि लाइट शेड है, आई डोंट नो व्हाई मुझे ना लाइट कलर की बेडशीट ज़्यादा पसंद है। और मैं पिछले कई सालों से बच्चों की वजह से जो डार्क 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 शेड्स खरीद रही थी, बट अभी जो है ना मुझे एनी हाउ वाइट शेड्स, लाइट शेड्स चाहिए थे। बिकॉज मुझे ये सारे कलर्स देख के ना बिल्कुल काबू नहीं हो रहा था, तो मैंने तो इस बार जो ना लाइट शेड्स मंगाई है। आई नो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं सुनीता, इतनी लाइट शेड क्यों मंगाई है, बट स्टिल मुझे लाइट शेड का ही मन था, तो मैंने जो है ना सोचा कि चलो देखा जाएगा जो होगा। हमारी अगली बेडशीट है वो भी एक लाइट कलर ही है और इस तरीके की प्रिंट है इसमें। मैं आपको बिछा के भी दिखाती हूँ ये बेडशीट, और इसकी बेडशीट दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ऐसी जो है ना इसकी प्रिंट है और ये पूरा इलास्टिक लगा हुआ है इसमें, और बहुत ही अच्छी परफेक्टली जो है ना फिट बैठ रही है ये बेडशीट। मैंने सभी बेडशीटें जो है ना बिछा के भी देखी, बहुत ही जो साइज एंड ऑल है ना सबका एकदम परफेक्ट फिट है। और
और अब चलते हैं अगली बेडशीट पे, जो कि है काफी डार्क सा येलो है। और एक्चुअली जब स्क्रीन में मैंने ऑर्डर किया था ना, तब तो ये येलो कलर इतना डार्क नहीं लग रहा था, थोड़ा लाइट था। बट देन अगेन आने के बाद मुझे रिटर्न करने का मन नहीं किया, तो मैंने तो रख लिया। हो सकता है आपको शायद ये थोड़ी सी डार्क लगे, ये इस तरीके से जो ना ब्लू कलर की इस पे प्रिंट बनी हुई है, ब्लू और व्हाइट कलर का। मैं आपको बेडशीट भी दिखाती हूँ इसकी, तो इस तरीके की ये बेडशीट है। थोड़ा कलर डार्क है, डार्क साइड पे है, आई एग्री, बट मुझे अच्छा लगा। आई डोंट नो, मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, तो कोई भी येलो कलर की चीज मैं रिफ्यूज नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने रख लिया और ऐसे रिटर्न नहीं मारा। और देखिए अब काफी अच्छा लग रहा है ना। मैं आपको हर एक चादर जो ना बिछा के भी आपको इंडिविजुअली दिखा रही हूँ, आप देखिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मीशो बेडशीट का हॉल। और आपको कैसा लगा ये बेडशीट का हॉल आप बताइएगा जरूर, आपको कैसी लगी ये बेडशीट्स। मैंने अभी तक एक भी बेडशीट धोई नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं जो है ना धोने के बाद भी इसका रिव्यू बता दूंगी कि कैसी निकली ये। अभी तो फिलहाल मैंने इन्हें जब जस्ट अनपैक किया और आपके साथ जो है ना शो किया है पूरा इसका डिस्प्ले करके भी, कि ये बेड पे कैसे बैठ रही है। परफेक्टली 6x6 के जो मैट्रेस पे ना ये अच्छे से सेट हो जा रही है, और मुझे तो ओवरऑल अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, और आपको अगर और भी कोई हॉल वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्राई करूंगी आपके लिए वो वीडियो बनाने का और आपके साथ शेयर करने का। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।